गाइज, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है, लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने दो सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हाँ गाइज, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के दो सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन दो सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।